दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे सबसे रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला। भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के परखच्चे उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जायसवाल और गिल में किसे अच्छा ओपनर मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसके अगले ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना धमाकेदार अंदाज जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को दिखाया। आपको बता दे कि जायसवाल इस मुकाबले में 27 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। वो 9 गेंदों में महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद गायकवाड़ ने गिल के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां गिल ने 49 गेंदों में 66 रन तो वही गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 49 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 182 रन तक पहुंचाया। वहीं इस टारगेट को चेज करने मैदान में उतरे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की शुरुआत खराब रही। महज 39 रन पर ही जिम्बाब्वे के 5 बड़े बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन इसके बाद डियोन मायर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच में फिर से वापसी कराई। क्लाइव मडांडे ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैच को पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ दिया था। एक समय ऐसा भी लगा कि टीम इंडिया मुकाबला हार जाएगी, लेकिन एक बार फिर से हमारे गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और तेजी से बढ़ते हुए रनों के गति पर रोक लगाई। हमारे गेंदबाजों ने अंतिम के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 23 रनों से जीतकर इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 बल्लेबाजों का शिकार किया और सबसे किफायती गेंदबाजी की। वहीं आवेश खान ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए। दोस्तों, तीसरे T20 में कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों, क्या आपकी राय में हमारी टीम इंडिया चौथे T20 को जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।